हे फ्रेंड, आज हम जानेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के ऑटो डेबिट के बारे में। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को हम बता रहे हैं कि अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की ऑटो डेबिट डिसेबल और इनेबल कैसे करते हैं। दोस्तों, इसको हम लॉगिन करने के बाद सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड वाले नीचे वाले ऑप्शन में जा करके हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने सर्कल बनाया है, इस पर हमें क्लिक करना है क्रेडिट कार्ड पर। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आएगा। जैसे ये हमारा पेज खुल रहा है, वैसे आपने हमारी वीडियो को लाइक कर देना। तो मेरा नाम अमरनाथ कुमार है। आज आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे हमारा पेज खुल गया, आपने अपना आपका क्रेडिट कार्ड कितना कितना क्रेडिट कार्ड है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड खुल के आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना कोई भी क्रेडिट कार्ड। जैसे आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका पेज आ जाएगा। तो आप कॉर्नर में देख रहे होंगे, एक कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, उस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन हमारे पास खुल करके आ जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे हमारा पेज आ जाएगा, नीचे आपको बीच में ऑटो डेबिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस पे आपने क्लिक करने के बाद आपका इनेबल होगा, तो आपने डिसेबल करके यहाँ नीचे वाले पे अप्लाई का ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पे आपने क्लिक करके अप्लाई कर देना है। दोस्तों, ये दो चीज़ है, मिनिमम अमाउंट ड्यू टोटल, और यहाँ नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे अप्लाई करके आपने अपना पिन नंबर डाल देना है। दोस्तों, हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।